गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम कर लो व्लॉग में, मैं तो रेडी होके मिलूंगी। वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू माय चैनल, माय नहीं आवर चैनल, हमारा चैनल, हमारा चैनल दीपिका अरोड़ा व्लॉग। तो सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग सबको प्यार, और मेरे को नहीं प्यार क्योंकि पता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, इंजेक्शंस लगेंगे, नॉर्मल हो जाएगा, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे कल आपको एंटीसेप्टिक लगा दी थी दवाई और टेटनेस भी लग गया था, आज से इंजेक्शंस किए वो कोर्स शुरू हो जाएंगे। बस अभी रेडियो के मम्मी निकलने वाले, सूट का दुख आ रहा है मेरा, ये अभी तक चेंज नहीं किया, इसी दुख में देख लो, पहनना हुआ इसको, ये नहीं चेंज कर लूं, देखो कितना सारा फट गया। कोई बात नहीं, सूट और आ जाएगा। आप दिखाओ क्या दिखा रहे हो। कुछ नहीं, मैं तो अभी पापा सामान लेके आया, वही चेक कर रही थी, सब्जी बनानी थी, वो सब्जी थी नहीं, मैंने कहा चल ले आओ ये पनीर दूध दही लेके आए हैं, और ये फ्रोजन मटर मंगवा लेते हो। वैसे मटर ना मार्केट में कल मंडी में गई थी, गले गले मटर आ रहे हैं, तो ये वो सर्दियों में आएंगे ना, अभी फ्रोजन मंगवा लेती हूँ, ये गल भी जल्दी जाते हैं, सब्जी अच्छी बनती है, सही रहते हैं। और एक मंगवाया मैंने मिक्स वेज का, ये भी अच्छी बनती है, आलू घर से डाल लूंगी, बाकी इसमें सारी सब्जियां होती है, थोड़ा पनीर डाल लेंगे, आलू डाल लेंगे, ये बनाऊंगी। और कल भी आप शायद कुछ लेकर आए थे ना, थोड़ा सा सामान लेके आई थी, जो बचपन में तुम खाते थे, हम दुकान, अच्छा ये गुड़ वाली, हमारी दुकान भी थी गाँव में, गुड़ वाली इसको बोलते थे, टांगरी जो भी था ये खाते थे हम, गुड़ की ये नीचे, अच्छा बचपन की यादें ताजा हो रही है आज। तो वहाँ गई ना छोले लेने के लिए, छोले तो लेके आई थी तेरे लिए, मैंने कहा ऑफिस में रख लिया अगर हेल्दी होते हैं, छोले और गुड़ ना, तो गाइस जरूर, गुड़ का ये गुड़ है क्या, ये इसके ऊपर गुड़ चढ़ा हुआ, छोले हैं नीचे, बहुत अच्छा, अच्छा ये वाला तो सही है, फिर मीठा भी साथ में आ गया, ये तो वैसे ले आई, ये छोले लेके आई हूँ, ये सही है ऑफिस में रखने के लिए, अपना पहले भी तो लेके जाती थी ना, हेल्दी भी होते हैं, ये नमकीन खाती है ना, ये खराब करती है नमकीन, ये क्या है, एक और पैकेट है, और ये गुड़ लेके आई हूँ, छोले और गुड़ तो खाने थी, आप गुड़ खाने से ना आपका खून भी साफ होता है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं आपने भर के खाना है, मतलब थोड़े छोले लेके थोड़ा सा एक टुकड़ा तोड़े और डेली खाए गुड़, खून भी साफ होता है, और खाना खाने के बाद भी गुड़ खाते है ना हमारे घर में, तो क्या क्यों खाते है, पेट के लिए भी अच्छा होता है, खाना पचता भी है, साफ होता है खाना, अच्छा पचता है उससे। बस ये, और ये लेके आई हूँ, ये क्या है, ये है, ये खट्टी मीठी है, मतलब अच्छा खा भी ली गई, इतनी कहाँ खोली, इतनी है, इतनी है ये, इतनी छोटी सी पैकेट, इतने बड़े पैकेट में इतनी सी, तो लेके आई हूँ, खा से नहीं आती होगी, अच्छा खोल के, ये भी पहले बचपन में खाते थे ना, तो उसने नई शॉप खुल, नहीं तो नहीं खुली उसने ना, दोबारा बड़ी कर ली शॉप, उसमें सौ और इतना मेरे को तो समझ नहीं आया, मतलब बहुत सामान था। और आप बना क्या रहे हो अभी, अभी तेरे को तो थोड़ी सब्जी फड़िया बना के देती हूँ, फिर मैं मिक्स वेज बनाऊंगी, दोपहर को भिजवा दूंगी, रात को ही खा लूंगी, दोपहर को क्या ही करूंगी। और पापा भी अभी रस का पैकेट ले आए, हमारे घर में सुबह चाय के साथ रस खाते हैं हम, तो ये भी आ गया, खत्म हो गया था। और ये मम्मी का सुबह का ब्रेकफास्ट यही होता है, ब्रंच ब्रेकफास्ट, वो अमरूद सब्जी जरूर खाते हैं, शुगर में अच्छा होता है, तेरे को परांठी बना दे, हाँ इसकी पराठा, इसका पराठा बना दो, और आलू वगैरह, नहीं ठीक है ये कर दो आप। मैं गाइज आपको मिलती हूँ रेडी होने के बाद। हेलो जी दोस्तों, मैं भी हो गई रेडी, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से भी, और ये मेरा है आज का लुक, ये टॉप और ये बॉटम। तो चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट मम्मा ने रेडी कर दिया है, कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सब्जी दिखाते हूँ, इधर सब्जी हमारी बन गई है, तो बेटी तो चली गई थी ऑफिस, रात की सब्जी रखी थी, वो तो नाश्ता कर गई, दोपहर को मैं उसका लंच भिजवा दूँगी। और इधर रखा है मैंने ये पानी गर्म होने के लिए, जो सौंफ और जीरे वाला अजवाइन वाला पीती हूँ मैं, थोड़ा गर्म करके इधर रखा हुआ, दूध बॉईल करना, तो बस फटाफट से काम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत जो भी है, और फिर मैं जाऊँगी इंजेक्शन लगवाने के लिए, कल टेटनस का तो उन्होंने लगा ही दिया था, आज वो लगेंगे जो कुत्ते काटने के लगते हैं, क्या नाम होता है उनका, तो बस अभी मैं नहा लेती हूँ फटाफट से, फिर चलते हैं। बस इधर निकाल देती हूँ इनके कपड़े, ये प्रेस करके रखे हुए हैं, तो ये वाला सूट मैंने निकाल दिया, इनकी पैंट शर्ट बस डाल लेंगे, फिर मैं अभी नहा के चलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स मैं इंजेक्शन लगवा कर आ गई हूँ, उन्होंने बोला है कि 5 इंजेक्शन लगेंगे,
तो मैंने कहा भी तीन लगते हैं, कहते तीन तो लगते, बाई चांस आगे कभी कुत्ता काट ले तो फिर आपको मतलब इंजेक्शन आगे फिर वो दो ही लगेंगे, अगर आप पांच इंजेक्शन लगवा लेते हो तो आप सेफ हो। तीन में बस आजकल पता नहीं क्या रूल है क्या नहीं है, नहीं तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अब पाँच इंजेक्शन बोल रहे हैं। तो क्या करूँ, एक तो मैं लगवा आई हूँ, अब एक मेरे को लगेगा 13 तारीख को, फिर लगेगा 16 तारीख को, इस तरह से गैप कर करके इंजेक्शन मुझे पांच लगवाने पड़ेंगे। तो बस लगवाएंगे, अब क्या करें, कुत्ते थे ये सड़क वाले कुत्ते, वैसे थे पालतू हो ना फिर तो दो इंजेक्शन में काम चल जाता है, तो कोई बात नहीं अब लगवाते हैं, सेफ है अपने लिए ही, ना लगवाएंगे तो फिर ये टेंशन रहेगी कल को भाई कुत्ते कैसे हैं कैसे नहीं हैं, अभी गली में घूम रहे थे, अब डर तो लगता ही है, तो कोई बात नहीं लगवाएंगे। हाँ जी, आज आप दोपहर के 4:15 घर कैसे? बस आपको पता करने आई थी। अच्छा, इंजेक्शन लगवाए कि नहीं? अच्छा, ऑफिस पास होने का यही फायदा होता है, नहीं आने का आते ही रोटियां बनाने लगे। मैंने कहा चलो मम्मी को लंच भी करा देती हूँ, मैं भी घर ही, मैं सब लंच करती नहीं, मम्मी के बहाने मैं भी खा लूंगी आज। तो वैसे मैंने तेरा भिजवाना था, फिर तूने कहा मैं घर आ रही हूँ। इंजेक्शन भारी था, उसके बाद ना इतनी नींद आ रही थी ना, बहुत ज्यादा नींद, क्या सुस्ती ऐसे आ गई पता नहीं कैसे। इधर बन रही है चाय, तो साहब मांग रहे हैं चाय, वो कह रहे मैं चाय पीऊंगा खाना, तो पापा का बंद कर गया दोपहर को पराठे खाने का। इधर बन रहे चाय के साथ पराठा, इधर है सूखी सब्जी, कह रहे इसके साथ चाहिए पराठे के साथ चाय पराठा, ये सब्जी दिखाई थी। है तो और बेटी के लिए बना दी मैंने लस्सी, जितने घर के मेंबर उतना अलग अलग इनका खाना पीना, तो ये इसके लिए बना दी लस्सी, इनके लिए बन रही है, और अपने लिए भी मैंने दूध निकाल दिया, मैं बनाऊंगी अपने लिए फीकी चाय, इनको पहले दे देते हैं मीठी, बस मीठा डाल दिया था गलती से, नहीं तो इकट्ठी बन जाती चाय, तो कोई नहीं फिर मैं अलग बना लेती हूँ। बस ये पराठा बन गया देते हैं, अंदर चाय भी बन गई है, और तू भी अपने लिए 8-10 पराठे बना लियो, सब्जी डाल दो 8-10 जिंदगी में नहीं खाए होंगे। तो फ्रेंड शाम के बज गए हैं 6:30, तो मैं आ गई हूँ पार्क में, आज थोड़ी हवा भी चल रही है, मौसम भी थोड़ा ठीक है, तो घर पे तो बहुत गर्मी लग रही थी, पंखे नीचे बैठ बैठ के ना बंदा उपी जाता, तो मैंने सोचा चलते हैं पार्क में थोड़ी सैर करेंगे, जितनी हो जाएगी बैठेंगे, थोड़ा योगा वगैरह करूँगी। इधर बच्चे झूला झूल रहे हैं, तो जितना एक आधा चक्कर काटा जाएगा काटूँगी, फिर बैठ जाऊँगी योगा वगैरह करूँगी थोड़ा सा। बहुत दिन बाद आई हूँ पार्क में, पहले कश्मीर चले गए थे, उसके बाद बस ऐसे ही एक बार रूटीन टूट जाए ना तो ऐसे ही होता है, बस आज से शुरू किया है, देखते हैं कब तक कंटिन्यू कर पाती हूँ। बस पहले दोपहर को इंजेक्शन वगैरह लगवा के आई थी, पता नहीं इंजेक्शन क्या होता है उसका असर कैसा, नींद इतनी आ रही थी वो इंजेक्शन लगवाने के बाद बहुत ज़्यादा, टीवी भी नहीं देखा जा रहा था ना मोबाइल ना टीवी, खाना भी बेटी ऑफिस से आई उसने ही बनाया, फटाफट आई वो, बस कुछ हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था इंजेक्शन के बाद, तो बस बड़ी मुश्किल से उठी हूँ, चाय वाय पी है, मैं पार्क चलते हैं, ऐसे लेटे लेटे तो काम नहीं चलता, थोड़ी सैर करके आती हूँ, थोड़ा बैठेंगे घंटा डेढ़ जितना बैठ सकते हैं, मच्छर भी हो जाते हैं, फिर बस जाके करेंगे शाम के खाने की तैयारी। चक्कर लगाए हैं, बैठती हूँ, सामने सीट खाली है, बस इतना ही होता है, मुझसे ज़्यादा तो नहीं घूमा जाता, बैठ के योगा वगैरह ही कर लें। तो फ्रेंड्स एक घंटा पार्क में बैठने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर, 7:30 हो गए हैं, 6:15 के करीब आई थी, बस थोड़ी सी सैर की, योगा वगैरह तो हुआ नहीं, एक लेडी जाके साथ में बैठ गई, बस बातें करते रहे,
तो बस अब 7:30 हो गए, घर चलते हैं, चल के करते हैं खाने की तैयारी। तो चलो योगा नहीं हुआ, थोड़ा 2 घड़ी किससे मिल लेते हैं, थोड़ा सा दिल भी बहल जाता है। घर में तो अकेले पड़े रहते हैं तो पंखे कूलर टीवी बस यही सब होता है, बंदा ना बीमार हो, जब भी बीमार बीमार फील करता है। तो थोड़ा सा अच्छा लगा पार्क में आके, बहुत टाइम के बाद आई थी, अच्छा लगा। बस बैठे रहे, थोड़ी हवा भी अच्छी चल रही थी, ताज़ी हवा भी मिल गई। बस अब चलते हैं घर। बाइकें जोमेटो स्विगी वालों की खड़ी हैं, तो सामने देखो ये सारे खाने पीने की दुकानें हैं, कोई सोया चाप, कोई टिक्की, तो कोई गोलगप्पे, तो कोई पिज्ज़ा, तो ये सब दुकानें हैं यहाँ पे। तो सारे ये जोमेटो स्विगी वाले खड़े हैं, मेरे को लगता है लोग घर पे खाना तो बनाना ही भूल गए हैं, जैसे जितना बाहर का खाते हैं उतनी बीमारियों ने भी पकड़ रखा है। ये मैदे की चीज़ें खा खा के लोग बस वही है, फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं, ये हो गया हमें, वो हो गया। तो अभी थोड़ी देर तक देखना, यहाँ पे इतना रश हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये देखो, दिखाती हूँ मैं आपको, जोमेटो स्विगी वाले यहाँ पे इतने खड़े रहते हैं ना, ये देखो। अभी तो ये बहुत कम है, आगे तो उधर दुकानों के आगे खड़े हुए आधे आधे, ये इधर खड़े हैं, ये जोमेटो जोमेटो। तो सभी अपना घर पे ऑर्डर कर लेते हैं, आने की भी जरूरत नहीं है जिसको नहीं आना। देखो आगे भी खड़े हैं, घर पे मंगाया और खाया छुट्टी। तो फ्रेंड्स, पार्क में से आने के बाद बनाई मैंने ये मूंग की दाल, रात के खाने में बस लगा लेते हैं इसे तड़का और रोटी बनाते हैं फटाफट से। सब्जी रखी हुई है, साथ में पापड़ भून लेते हैं और फुलके बनाते हैं। ये थाली तैयार होगी, पापड़ भी भून दिया मैंने, ये सूखी सब्जी है और ये दाल है, दाल में घी डाल दिया, पकड़ा देते हैं साहब को अंदर, वेट कर रहे हैं। हाँ जी खा लो फटाफट से, खा लो खा लो फटाफट से। तो फ्रेंड्स, मैं घर आ गई थी 9:45 और उसके बाद आके बस खाना वाना खाया चेंज वेंज करके, और अब बैठे हैं मॉम डैड के साथ, बैठी हूँ, थोड़ी बात बात कर रहे थे। पूछ रही थी मम्मी को कि उसके बाद तो कोई पेन वगैरह या कुछ चेंजेस तो नहीं आए, ऐसा कुछ फील हो रहा हो, इंजेक्शन भी लगवाया था आज उन्होंने, आइए उन्हीं से पूछ लेते हैं, डॉक्टर के पास आज गए भी थे, क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे, तो आइए मिलवाते हैं। हाँ जी, कितने बजे गए थे डॉक्टर के पास? 11 बजे। क्या बोला डॉक्टर? 5? हाँ, मैंने भी एक दो से बात की थी ना, मेरे को एक दो कमेंट भी आए थे, वो भी यही कह रहे थे कि 5 इंजेक्शन लगते हैं। तो उसमें डेट भी लिख के दी है, दिखाना एक बारी, दिखाओ। अच्छा, पहली जो डोज है वो 9 तारीख को है, उसके बाद 12, फिर 16, फिर 23 और फिर 6 सितंबर, मतलब विद इन ऑलमोस्ट 1 मंथ ही हो गया। तो ये 5 डोज है जो लगने वाली है मम्मी को, ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है। और डॉक्टर ने, और जो आज डोज लगी है, पहला इंजेक्शन लगा, उससे कुछ फर्क लगा मम्मी आपको, कुछ चेंजेस आए? दिक्कत तो वैसे भी नहीं है, पेन तो नहीं है ना अब आपको? तो उस इंजेक्शन से आप कुछ बता रहे थे? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इंजेक्शन से भी कुछ आप बता रहे थे इश्यूज आप? इंजेक्शन ना लगवाया ना, जैसे नींद है, सुस्ती सी आ रही थी, जख्म तो खैर अब नहीं है। अब तो खैर, हाँ पेन नहीं है अब तो खैर, ये है ये धीरे धीरे हील हो जाएगा, लेकिन इसमें दवाई लगानी है कोई, केसो ऐसे छोड़ देना बस? ओके, दवाई लगानी है। हैवी लग रहा था आपको आज बहुत, फिर सोए आप, नींद आई होगी? वो मैं तो चलो आई जब आपने बता ही दिया था मुझे, दोपहर को मैं आई थी तो मुझे बोल रहे थे कि किसी को लगे। हाँ, ये हमारे लिए बड़ी अलग सी अजीब सी, हैवी इंजेक्शन था ना वो, लेटी रही वो उठा 3 बजे, फिर ये भी आ गई थी ऑफिस से, खाना वाना आया,
शाम को मैं चाय वाय पी के थोड़ी देर पार्क में गई, मैं वहाँ जाकर मेरे को थोड़ा सा हवा चल रही थी, सारे बैठे थे जैसे थोड़ा अकेला हो रहा है। हाँ तो बाहर का हवा थोड़ी अच्छी रहती है ना, बाहर के अंदर घुटन में भी वो तो बीपी की वजह से नहीं है, वो इंजेक्शन हैवी होते हैं ये, तभी तो गैप पे लगते हैं। अगर आपको तो अगर पांच इकट्ठे लगने होते तो जल्दी जल्दी क्यों नहीं लगाते, तीन दिन का गैप क्यों रखते हैं फिर? अब ठीक लग रहा है, अब तो नहीं ऐसा फील हो रहा। हाँ वो फिर हैवीपन की वजह से ही है, और लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट हम दोबारा कर लेंगे। फ्रेंड्स आप बताना अगर ऐसी कोई एक्सपीरियंस आपके साथ कभी हुआ हो और ऐसा कुछ फील होता है कि नहीं, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। आपने कमेंट किए थे कल मुझे दो तीन लोगों ने कमेंट किए थे कि पांच इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे और आप सिविल में कंफर्म कर लो। तो तीन है, पांच वो इसीलिए कहते हैं बाय चांस भगवान ना करे कभी दोबारा कुत्ता काट जाए, सेफ साइड तो आपको फिर वो पांच तीन लगवाने की जरूरत, दो में काम चल जाएगा, दो में काम लगते तो तीन ही है वैसे, दो तो वैसे लगा रहे हैं इसलिए भी आगे कभी भगवान ना करे तो आपको फिर पूरा ये नहीं लगवाने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहाँ पे एंड करते हैं। आज का दिन आपके साथ शेयर किया और कैसा लगा व्लॉग आपको लाइक कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए